सभी किसान मित्रों को नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इन्फोटेक फार्मिंग एडर में। किसान मित्रों, दिनांक है 4 जुलाई 2022, वार है सोमवार, समय हुआ है अभी हाल फिलहाल 1 बजे हैं। बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मंडी इंदौर की चोइत्रा मंडी, वहीं मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी मंडी उज्जैन मंडी और तीसरी मंडी शाजापुर मंडी। इसके अलावा मैं आपको 5-7 मंडियों की और भी जानकारी देने वाला हूं, सिर्फ प्याज की। बाकी इन तीनों मंडियों की मैं आपको आलू प्याज लहसुन तीनों जिनसों की जानकारी दूंगा, साथ ही साथ 5 से 7 मंडियों की और भी मैं जानकारी देने वाला हूं। उनके नाम बता देता हूं आपको, पुणे मंडी, सोलापुर मंडी, अहमदनगर मंडी, वहीं नासिक की मनमाड़ मंडी, पीपलगाँव मंडी, फिर नासिक की अभोणा मंडी, साथ में पुणे मार्केट यार्ड की मंडी, वहीं मंचर मंडी, महाराष्ट्र की मंचर मंडी, वहीं पुणे की सिरपुर मंडी। इन सभी मंडियों के प्याज के मैं आपको ताज़ा भाव की जानकारी दूंगा, जो ऊपर में एक एक लोट सबसे ऊपर में जो बिकता है मंडी में उसी की मैं जानकारी आपको इन सभी मंडियों की देने वाला हूँ। टोटल मिला के पास मेरे पास में 10 से 11 मंडियों की जानकारी है आप आज, और शाजापुर मंडी के कुछ लाइव वीडियो भी हैं। तो मेरे किसान भाइयों, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, 10 से 15 मिनट का होगा, क्योंकि सभी मंडियों की जानकारी देना है। और मेरे सभी अन्नदाताओं से एक विनम्र निवेदन है, आग्रह है कि हमारा यह जो चैनल है इस पर जितने भी ज़्यादा हो सकें उतने लोग सब्सक्राइब कीजिए। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं आप सबसे एक निवेदन है, आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको आने वाले समय में 10 से 15 मंडियों की जानकारी मैं इकट्ठा दूंगा और शाजापुर इंदौर मंडी की लाइव जानकारी दूंगा आपको। लाइव मतलब सिर्फ लाइव चलाऊँगा, लाइव वॉचिंग होगा और उसमें मैं आपको सभी मंडियों की भी जानकारी अवेलेबल करवाऊँगा। तो मेरे किसान भाइयों, इस वीडियो के माध्यम से आपको इन सभी मंडियों की A to Z जानकारी, संपूर्ण सटीक विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो हमारे और भी अन्नदाताओं तक जानकारी को शेयर कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाल कलर की घंटी का बटन दबा के उसे ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जो हमारे आने वाले वीडियो है उनके नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुँच सके। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे शाजापुर मंडी की। शाजापुर मंडी की सबसे पहले बात करेंगे आवक की। तो आवक की अगर शाजापुर मंडी की अगर बात करें मेरे किसान भाइयों, तो 15 से 16 हज़ार पैकेट की आवक है आज प्याज की। लहसुन की 2 हज़ार पैकेट की आवक है, आलू जीरो आवक। लहसुन की अगर बात करें तो बेस्ट क्वालिटी के ऊपर में लहसुन 2200 रुपये तक बिकी है शाजापुर मंडी में। बात करें मेरे किसान भाइयों प्याज की, प्याज में अच्छी क्वालिटी का प्याज 1400 रुपये बिका है मेरे किसान भाइयों, 1 लाट 1450 रुपये बिका पूरी मंडी में मेरे किसान भाइयों शाजापुर की मंडी में। तो ये तो होगी किसान मित्रों शाजापुर मंडी की जानकारी। छोटे छोटे पॉइंट बना के ही मैं जानकारी दूंगा आपको, लंबा वीडियो नहीं खींचूंगा, गोल्टा गोल्टी के भाव आपको उनमें नहीं बताऊंगा। इंदौर मंडी में गोल्टा गोल्टी के भी भाव आपको बताऊंगा। अब चलते हैं उज्जैन की मंडी की तरफ, महाकाल की नगरी उज्जैन। उज्जैन मंडी में मेरे किसान भाइयों प्याज की आवक है 14 हज़ार पैकेट, लहसुन की आवक है करीब 6 हज़ार पैकेट और आलू की आवक है मात्र 400 पैकेट। आलू का जो भाव है ऊपर में टॉप क्वालिटी आलू ज्योति का 1700 रुपये है, लोकर मंडी में आया नहीं है। सोना चिप्स 1650 रुपये, LR 1600 रुपये, ATL 1500 रुपये, सुपर 6 1500 रुपये, 3797 और ख्याति हमारी उज्जैन मंडी में नहीं आता है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का आलू है, ये सिर्फ इंदौर मंडी में आता है मेरे किसान भाइयों। तो ये तो हो गई आलू की जानकारी। लहसुन की अगर बात करें तो 2600-2700 रुपये तक ऊपर में टॉप क्वालिटी लहसुन बिका है 1 आध लाट मात्र उज्जैन मंडी में। प्याज की अगर बात करें तो 1450 रुपये से ऊपर प्याज मंडी नहीं गई है उज्जैन मंडी, 1-2 लोट 1450 रुपये बिका है मेरे किसान भाइयों। अगर बल्कि की अगर बात करूं तो 1000 रुपये से लगा के 1250 रुपये। ये भाव कम क्यों हैं मेरे किसान भाइयों? बड़ी बड़ी मंडियों में, जैसे मैंने अभी नाम बताया आपको, नासिक की अभोणा मंडी, पीपलगांव मंडी, नासिक की मनमाड़ मंडी, वहीं पुणे मंडी, सोलापुर मंडी, अहमदनगर मंडी, पुणे मार्केट यार्ड, मंचर मंडी, सिरपुर मंडी, ये बड़ी बड़ी मंडियाँ हैं। इन सभी मंडियों में भी जो मार्केट में भी जो चल रहा है भाव बहुत कम है, इसीलिए हमारा इधर मध्य प्रदेश का जो मार्केट है वो भी डीम है। और बांग्लादेश बॉर्डर खुला नहीं खुला उसकी भी जानकारी आपको इस वीडियो में परफेक्ट देने वाला हूँ, परफेक्ट, सुबह नहीं दी थी अभी देने वाला हूँ, ठीक है। तो मेरे किसान भाइयों ये तो हो गई दोनों मंडियों की जानकारी। अब हम चलते हैं सीधा पुणे मंडी। पुणे मंडी में मेरे किसान भाइयों सिर्फ प्याज का भाव बताऊंगा, प्याज ऊपर में टॉप क्वालिटी पुणे मंडी का भाव है 1850 रुपये मेरे किसान भाइयों, सिर्फ 1 लोट बिका है 1850 रुपये। बाकी अगर मैं बल्क की अगर बात करूं तो 1500 रुपये से लगा के 1650 रुपये तक का मार्केट है
बाकी इक्का दुक्का जो लाट है वो 1650 से लगा के 1750, एक लोट 1850 रुपये बिका है मेरे किसान भाइयों। अब हम चलते हैं, इंदौर मंडी की जानकारी आपको सबसे लास्ट में दूंगा। अब हम चलते हैं सोलापुर मंडी की तरफ। सोलापुर मंडी में किसान भाइयों ऊपर में टॉप क्वालिटी माल 1701 से लगा के 1800 रुपये तक बिका है। अहमदनगर मंडी में बात करें किसान भाइयों सुपर प्याज की तो 1500 रुपये से लगा के 1700 रुपये। वहीं अगर बात करें मेरे किसान भाइयों नासिक की मनमाड़ मंडी में, तो नासिक की मनमाड़ मंडी में किसान भाइयों 1100 रुपये से लगा के 1450 रुपये का ही भाव है। वहीं अगर बात करें नासिक की अभणा मंडी में, नासिक की अभणा मंडी में सुपर प्याज 1501 रुपये से लगा के 1700 रुपये मेरे किसान भाइयों। वहीं पुणे मार्केट यार्ड मंडी की अगर बात करें जो फड़ का नाम है पुणे मार्केट यार्ड और दुकान नंबर है मेरे किसान भाइयों 814, वहाँ पर बेस्ट क्वालिटी का प्याज 1501 से लगाकर 1605 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका है मेरे किसान भाइयों आज। वहीं अगर बात करें महाराष्ट्र की मंचर मंडी की अगर बात करें मेरे किसान भाइयों तो 1701 रुपये का भाव निकल कर आया है। अब बात करें मेरे किसान भाइयों पुणे की सिरपुर मंडी मेरे किसान भाइयों एक्सपोर्ट क्वालिटी का जो प्याज है 1001 से लगाकर 1651 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से मेरे किसान भाइयों बिका है महाराष्ट्र की पुणे की सिरपुर मंडी में। वहीं पुणे की सिरपुर मंडी में किसान भाइयों खादू गोल्टा गोल्टी जो बेकार क्वालिटी का माल होता है वो बिका है मेरे किसान भाइयों 100 रुपये प्रति क्विंटल से लगाकर 400 प्रति क्विंटल। गोल्टी बिकी है 400 से लगा के 700 रुपये प्रति क्विंटल। गोल्टा प्याज बिका 700 रुपये से लगा के 1000 प्रति क्विंटल। लड्डू प्याज 1000 से 1200 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं बेस्ट क्वालिटी का जो एक्सपोर्ट क्वालिटी का प्याज है 1200 रुपये से लगा के मेरे किसान भाइयों 1600 रुपये तक। वहीं इक्का दुक्का लाट 1600 रुपये से लगा के 1651 रुपये तक मेरे किसान भाइयों बिका है। अब हम चलते हैं जहाँ सबसे ज़्यादा भाव है अभी, नासिक की पिपल गांव मंडी मेरे किसान भाइयों हल्का जो प्याज है 100 रुपये प्रति क्विंटल से लगा के 700 रुपये प्रति क्विंटल। मीडियम क्वालिटी का प्याज 700 से लगा के 1300 रुपये प्रति क्विंटल। वहीं बेस्ट क्वालिटी का जो सुपर प्याज है 1350 रुपये से लगा के 1911 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक रहा है मेरे किसान भाइयों। मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो भाव है वो यहीं पर मुझे देखने को मिला है मेरे किसान भाइयों। अब आ जाती है इन सभी मंडियों की जानकारी। पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है, अहमदनगर की जानकारी दी मैंने आपको, अहमदनगर मंडी की, नासिक की मनमाड़ मंडी की जानकारी दी, नासिक की पिपल गांव मंडी की जानकारी दी मैंने आपको, नासिक की अभणा मंडी की जानकारी दी मैंने आपको, पुणे मार्केट यार्ड मंडी की जानकारी दी दुकान नंबर 814, वहीं मेरे किसान भाइयों महाराष्ट्र की मंचर मंडी की जानकारी दी, पुणे की सिरपुर मंडी की जानकारी दी जहाँ एक्सपोर्ट क्वालिटी का प्याज 1651 रुपये का बिक रहा है मेरे किसान भाइयों, सोलापुर मंडी की जानकारी दी, पुणे मंडी की जानकारी दी। अब चलते हैं हम हमारी मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी की तरफ। इंदौर मंडी में बेस्ट क्वालिटी का प्याज, सबसे पहले हम बात करेंगे आवक की, 30 से 35 हज़ार कट्टे की आवक है प्याज की किसान भाइयों। बैलेंसिंग माल पड़ा हुआ 10 हज़ार कट्टे यानी कि 45 हज़ार कट्टे टोटल आवक है 45 हज़ार कट्टे प्याज की। समझ में आ रहा किसान भाइयों, बिल्कुल 100% आवक बढ़ चुकी है और 45 हज़ार प्लस बैलेंसिंग माल और आवक दोनों मिला के 45 हज़ार प्लस आवक है मेरे किसान भाइयों। बात करें लहसुन की 13 हज़ार प्लस कट्टे की आवक देखने को मिली है लहसुन की। बात करें आलू की 9 हज़ार प्लस कट्टे की आवक देखने को मिली है आलू की, क्योंकि ये माल बढ़ गया है। सुबह जब वीडियो बनाते हैं उसके पहले ही उस टाइम से लगा के अभी तक के टाइम में आवक बढ़ जाती है। इंदौर की चोइत्रा मंडी मेरे किसान भाइयों अभी भी बोली चल रही है क्योंकि आवक ज़्यादा है, अभी भी 1001% अभी बोली चल रही है और बोली चलेगी मेरे किसान भाइयों 1:30 बजे तक। आज कितनी बजे तक? 1:30 बजे तक, क्योंकि आवक ज़्यादा है। जब 1 लाख प्याज की आवक होती है इंदौर मंडी में तब बोली चलती है मेरे किसान भाइयों 4 बजे तक। कितनी बजे तक? 4 बजे तक। और 4 बजे ने वापस से आवक आने लग जाती है, बड़े बड़े लोट के लोट आते हैं, ट्रक के ट्रक आते हैं मेरे किसान भाइयों। आज खंडवा से एक गाड़ी है, महाराष्ट्र तरफ से भी एक गाड़ी है, नासिक से एक गाड़ी है मेरे किसान भाइयों, महेश्वर मंडलेश्वर साइड से कम 10 गाड़ियां हैं मेरे किसान भाइयों। मध्य प्रदेश तो पूरा का पूरा इंदौर पे ही निर्भर हो गया है मेरे किसान भाइयों, इंदौर मंडी के ऊपर ही निर्भर हो गया है। ठीक है, चोइत्राम कंपाउंड इंदौर मंडी आपने नहीं देखा होगा तो मैं आपको मेंशन कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आप डाल दूंगा उसका पता, अगर किसी भाई को अगर माल लेके जाना है तो जा सकता है। ठीक है मेरे किसान भाइयों, अब हम चलते हैं इंदौर की चोइत्रा मंडी में भाव की तरफ।
सबसे पहले हम भाव लेते हैं आलू का। आलू लॉकर नहीं आया है मंडी में एक भी लोट। लॉकर आने की मतलब ये मान के चलें कि लॉकर आलू आने वाले समय में 10 एक दिन में आना लग जाएगा लॉकर आलू, और अच्छा खासा रेट मिलेगा, 2000 तक जा सकता है लॉकर आलू अगर अच्छी क्वालिटी का आलू आएगा तो। मेरे किसान भाइयों, बात कर लेते हैं आलू की सीरियल वाइज। 2 रुपये से लगा के 7 रुपये प्रति केजी के हिसाब से गुल्ला बिक रहा है। 700 रुपये प्रति क्विंटल से 1100 रुपये प्रति क्विंटल में हमारा पोखराज बिक रहा है। वहीं अगर बात करें हम उत्तर प्रदेश के आलू की 3797 ख्याति की तो वो बिक रहा है मेरे किसान भाइयों 800 से लगा के 1200 रुपये। सुपर सिक्स बिक रहा है 800 रुपये से लगा के 1500 रुपये। ATL 800 से लगा के 1500 रुपये। वहीं LR 800 रुपये से लगा के 1600 रुपये। सोना चिप्स 800 रुपये से लगा के किसान भाइयों 1700 रुपये। और ज्योति बिक रहा है 800 रुपये से लगा के 1750 रुपये। तो ये थी किसान भाइयों आलू की जानकारी। अब हम चलते हैं लहसुन की तरफ। लहसुन बेस्ट क्वालिटी का, अगर स्टैंडर्ड क्वालिटी का लहसुन है तो पुरुषोत्तम दास नारायण दास जी के यहाँ 3,3200 रुपये तक बिक रहा है मेरे किसान भाइयों। आज बहुत सारे लोड बिके हैं 3200 रुपये तक, बहुत सारे लोड पुरुषोत्तम दास नारायण दास जी के यहाँ। बाकी पूरी मंडी की अगर बात करें तो 2500 रुपये से एक भी लोड नहीं बिका है ऊपर मेरे किसान भाइयों। मैं ये नहीं बोल रहा कि पूरी मंडी में लेवाली ठीक नहीं है, लेवाली ठीक है, लेकिन माल अच्छा नहीं आता है सभी फड़ पे। माल ज़्यादा अच्छा आता है पुरुषोत्तम दास जी के यहाँ। इसीलिए पुरुषोत्तम दास नारायण दास दुकान नंबर 1 यानी फड़ नंबर 105 है, दुकान नंबर 105 है, उनके यहाँ अच्छी क्वालिटी का माल ज़्यादा आता है। अच्छे किसान जुड़े हुए हैं उनसे भाई साहब से, इसी कारण से माल भी अच्छा आता है। जैसे हमारे पटेल आलू भंडार 76 नंबर दुकान है, वहाँ पर आलू अच्छी क्वालिटी का आता है। उसी प्रकार से हमारे 71 कपिल जी के यहाँ पर हमारा बेस्ट क्वालिटी की लहसुन आती है। उसी प्रकार से प्याज, आलू और लहसुन तीनों अच्छी क्वालिटी के जो होते हैं वो हमारे पुरुषोत्तम दास जी के यहाँ आते हैं। 104 नंबर जो दुकान है भारत सिंह जी चौहान डेली वाले, उनके यहाँ भी बहुत अच्छी क्वालिटी का माल आता है मेरे किसान भाइयों, बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का जो माल है वहाँ। 274 नंबर मनीष जी के यहाँ भी बहुत बेस्ट क्वालिटी का माल आता है मेरे किसान भाइयों। और हमारे अभी एक व्यापारी भाई साजापुर से गए हुए हैं जो राजेश जी पाटीदार के सुपुत्र हैं, गणेश जी पाटीदार, उन्होंने भी फड़ डाला है वहाँ पर इंदौर मंडी में। तो वो भी अभी प्याज की खरीदारी चल रही है उनकी, सिर्फ प्याज खरीद रहे हैं वो, अच्छी क्वालिटी का प्याज अच्छे दाम में खरीद रहे हैं। उन्होंने 1600 रुपये तक आज प्याज खरीदा है इंदौर की चौतरा मंडी में, गणेश जी पाटीदार ने। अगर आप मोबाइल नंबर मांगेंगे तो मैं दे दूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं मेरे किसान भाइयों। तो मैंने आपको लहसुन की, आलू की जानकारी दे दी मेरे किसान भाइयों। अब हम चलते हैं प्याज की तरफ। प्याज ख़राब क्वालिटी का एकदम रद्दी प्याज 50 रुपये प्रति क्विंटल से लगाकर 300 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा है मेरे किसान भाई, जिसमें कैप्सूल गोल्टी, बारीक तरह की गोल्टी, ख़राब खादू गोल्टी, मिश्री वाली गोल्टी, कैप्सूल मई खादू माल 300 रुपये से लगा के 600 रुपये प्रति क्विंटल में गोल्टी अच्छी क्वालिटी की। 600 से 800 रुपये में हमारा गोल्टा प्याज, 800 से 950 रुपये में हमारा लड्डू प्याज, 950 रुपये से 1250 रुपये प्रति क्विंटल में हमारा बेस्ट क्वालिटी का प्याज। वहीं अगर बात करें हम एक्सपोर्ट क्वालिटी के प्याज की तो 1250 रुपये से लगा के 1550 रुपये में एक्सपोर्ट क्वालिटी का प्याज। इक्का दुक्का लाट की अगर बात करें जो महाराष्ट्र और खंडवा साइड का बिका है तो 1550 से 1650 रुपये के रेट में बिका है, लेकिन 2-4 लोड बिके हैं। तो ये तो हो गई मेरे किसान भाइयों तमाम मंडियों की आवक की जानकारी, भाव की जानकारी तीनों जिनसों के। अब हम चलते हैं बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ। बांग्लादेश बॉर्डर मेरे किसान भाइयों शनिवार और रविवार यानी कि दो तारीख को खुलने का था, इस शनिवार था उस दिन, और उसी कारण से बांग्लादेश में जो बैंक होती है वो बंद रहती है। संडे फंस गया तो संडे के दिन भी बांग्लादेश बैंक बंद होती है, उसी कारण से 2 दिन से बांग्लादेश बॉर्डर नहीं खुला था। बांग्लादेश बॉर्डर आज खुल चुका है, 4 जुलाई है, खुल चुका है और खुले को करीब करीब 2 घंटे हो चुके हैं। लेकिन मेरे किसान भाइयों डिमांड नहीं है इसीलिए भाव नहीं बढ़ाया आज। अगर डिमांड होती, एक भी गाड़ी की डिमांड नहीं है बांग्लादेश से, बांग्लादेश ने प्याज की मांग ज़रूर की है, सरकार ने मांग की है, ना कि व्यापारियों ने। व्यापारियों ने क्या करा है, एक भी गाड़ी नहीं मंगवाई है। व्यापारी गाड़ी कब मंगवाएंगे आपको मैं बता देता हूँ, गाड़ी तब मंगवाएंगे जब ईद नज़दीक आएगी। करीब करीब ये मान के चलें कि 8 तारीख को ईद है, आज 4 तारीख है, तो आज भी डिमांड नहीं है, कल भी डिमांड नहीं रहेगी, परसों से डिमांड बढ़ेगी। तो परसों से मेरा जहाँ तक अंदाज है कि अगर डिमांड बढ़ी तो परसों से जो रेट है बेस्ट क्वालिटी का जो प्याज है उसका रेट बेहतरीन तरीके से बढ़ेगा, यानी कि बेस्ट क्वालिटी की गोल्टी और बेस्ट क्वालिटी का लड्डू और गोल्टा प्याज जो है उसका रेट बढ़ेगा। बड़ा जो प्याज है
वो सीमित रहेगा, उसका रेट नहीं बढ़ेगा। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। अभी मेरे किसान भाइयों, कौन कौन से देशों में हमारा प्याज निर्यात हो रहा है, मैं आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ। सबसे पहली चीज़, नेपाल में हमारा प्याज निर्यात हो रहा है, दूसरे नंबर पर म्यांमार में हमारा प्याज निर्यात हो रहा है, तीसरे नंबर पर बांग्लादेश में प्याज अभी निर्यात होने वाला है, चौथे नंबर पर मलेशिया में प्याज निर्यात हो रहा है, अभी बहुत कम मात्रा में हो रहा है लेकिन आने वाले समय में बहुत ज़्यादा होगा। दुबई में भी हमारा प्याज निर्यात हो रहा है, आने वाले समय में रसिया में हमारा प्याज निर्यात होगा, साउथ अमेरिका में हमारा प्याज निर्यात होगा मेरे किसान भाइयों। इसके बाद में जितनी भी अरब कंट्रियाँ हैं उन सभी कंट्रियों में हमारा प्याज आने वाले समय में निर्यात होगा। जब सभी कंट्रियों में प्याज निर्यात होने लगेगा तब जाके हमारे प्याज का जो रेट है वो 30 से 40 रुपये रहेगा। लेकिन अभी सिर्फ बांग्लादेश अगर बॉर्डर खुला है और उसमें प्याज की डिमांड अगर बढ़ी और एक दिन में 150 गाड़ी अगर चली गई तो 100% 200 से 400 प्रति क्विंटल का हमें बेनिफिट मिलेगा। ये मेरी गारंटी है। किस पे मिलेगा? गोल्टी, गोल्टा और लड्डू प्याज पे, ना कि बड़े प्याज पे। बड़े प्याज पे तब आपका भाव मिलेगा तब मलेशिया, इंडोनेशिया, साथ में दुबई, साउथ अमेरिका और अरब कंट्री, इन सभी जगहों पे हमारा प्याज बल्क में निर्यात होगा, तब हमें बड़े प्याज का फ़ायदा मिलेगा और बड़े प्याज में हमें भाव अच्छा देखने को मिलेगा। मेरे किसान भाइयों, बरसात चल रही है, इसीलिए थोड़ा सा एक निवेदन करूँगा आपसे कि पानी आपके प्याज को बिल्कुल भी ना लगे। अगर ज़रा सा पानी लगा कि प्याज ख़राब हो जाएगा, इसलिए प्याज को पानी से बचाएँ, गर्मी से बचाएँ, गर्मी यानी कि जो भी उमस चल रही है उससे आप बचाएँ। ज़्यादा से ज़्यादा पंखे चालू रखें, बंद बिल्कुल भी ना करें, 24 घंटे पंखे चलने दें अभी, क्योंकि लाइट इतनी मिल नहीं रही है कि वो 24 घंटे पूरे कर पाएंगे। 24 घंटे में से 5-7 घंटे तो लाइट चली जाती है, आपको मालूम है, तो 10-12 घंटे तो कम से कम प्याज को हवा चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा जो वीडियो है मेरे किसान भाइयों, इसमें अब लाइव वीडियो चालू होगा, मेरे शब्द ख़त्म होंगे तब। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को आप सब अन्नदाताओं से विनम्र निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी किसान मित्रों का धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। 1300 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
13 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